हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा रिक्वेस्ट रहता है, फिर से रिक्वेस्ट है, प्ले लिस्ट में आप जरूर जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन में फिर सिलेंडर एक्चुअली वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड मैं लेके आया हूं। और ये टिपिकल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं है, लेकिन आप समझ लेंगे तो ये आपको लाइफ टाइम काम देगा। क्वेश्चन आपका देखिए क्लास 8 का एक्चुअली है। ए वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू ए विड्थ ऑफ 7 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट सो फॉर्म्ड। क्वेश्चन कहता है कि एक कुआं, एक वेल, इस तरह से कुआं खोदा गया, उसका जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर ये आपका 14 मीटर है, और इसका जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है वो 12 मीटर है। क्योंकि ये नीचे की ओर खोदते हैं इसलिए डेप्थ कहा जाता है, ये यदि ऊंचा रहता तो वो हाइट कहा जाता है। अर्थ टेकन आउट, यहाँ पे देखिए एक फ्रेज के रूप में यूज किया है। अर्थ टेकन आउट कहने का मतलब यहाँ से सॉयल टेकन आउट, जो मिट्टी निकाला गया है, तो उसको क्या किया गया, उसके चारों ओर, इसका जो मुहाना होता है इसके चारों ओर इसको इवेनली मतलब बराबर बराबर रूप में इसको फैलाया गया टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट कहने का मतलब यह किनारे किनारे जो होता है वो एम्बैंकमेंट कहलाता है, ऐसे इसको पारापेट के नाम से भी जाना जाता है। तो कुआं के चारों ओर जो मेड़बंदी होती है उसी को एम्बैंकमेंट कहा जाता है। तो उस स्थिति में पूछा जा रहा है कि जो एम्बैंकमेंट बनेगा उसका हाइट क्या होगा। तो इसके लिए आपको देखिए जो क्वेश्चन है उसको आप समझ लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें कितना अर्थ, कितना मिट्टी निकला वो पहले बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, इसके लिए आप लिखेंगे फॉर द वेल, बहुत ज्यादा आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, फॉर द वेल आप लिखेंगे, फॉर द वेल। यहां पर आपका जो डायमीटर है ये आपका 14 मीटर है। देखिए इनर डायमीटर इसलिए देता है क्योंकि आउटर यहां तो अर्थ है, वो कितना दूर जाएगा कोई कंप्लीट, तो इनर से हमको मतलब रहता है इसमें इनर। दैट मींस आपको यहां पर दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू 14 बाई 2, इसका हाफ होता है, दैट इज 7 मीटर, ये आपका हो गया। एंड जो हाइट एक्चुअली यहाँ डेप्थ है, लेकिन यही हाइट आपका सिलेंडर के रूप में यदि यूज करते हैं तो हाइट यूज करते हैं, ये कितना तक, 12 मीटर तक, ये आपका 12 मीटर। देयरफॉर आप लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, आप यहाँ लिखेंगे अर्थ टेकन आउट, आप यहाँ सीधे लिखेंगे टेकन आउट मतलब मिट्टी खोद के निकाल दिया गया, मतलब ये सिलेंडर का वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, दैट इज कितना हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर, एच इज 12 एन मीटर क्यूब, ये आपका हो गया। इसको आपने क्या किया, इसके चारों ऐसे फैलाया। तो देखिए यहां से यहाँ ये जो इनर पार्ट ये आपका 7 था और ये 7 मीटर, और आप यहाँ पर से इसका जो है देखिए ये 7 मीटर वो आपको क्या विड्थ, इसका विड्थ 7 मीटर दे दिया, ये हाइट आपको पता करना है। तो ये विड्थ है मतलब ये 7 है, ये जो विड्थ है ये 7 है, तो 7 प्लस 7 कितना हो गया 14, यानी आपको ये जो आपका एम्बैंकमेंट बना इसका जो रेडियस है वो कितना कहला, 7 प्लस 7 दैट इज वो आपका कहा 14 मीटर। आप लिखेंगे फॉर द एम्बैंकमेंट, है ना, फॉर द एम्बैंकमेंट। यहां पर आपको क्या है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, दैट इज 7 एंड दैट इज 7, दैट इज आपको 14 मीटर। ये 7 कहां से आया, इसका रेडियस 7 है, ये 14 है तो हाफ 7 हुआ, एंड इसका विड्थ आगे वो कितना तक, 7 मीटर तक। तो वो जो आपका एक नया सर्किल बना इस तरह से, वो क्या हो गया आपका 7 प्लस 7 यहां तक 14 मीटर, ये आपका दे दिया गया है। इसका आपको हाइट निकालना है, लेट द हाइट इज इक्वल टू एच मीटर, आप मान लिए, देयरफॉर आप इसका क्या लिखेंगे वॉल्यूम, इसका भी आप लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ या एम्बैंकमेंट, यहां पर वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ये क्या होगा, ये भी आपका पाई आर स्क्वायर, यहां पर क्या होगा, चूंकि देखिए ये जो खाली जगह है इसमें तो अर्थ है नहीं, आपको अर्थ क्या है, ये जो ये पोर्शन है इसमें आपको मिट्टी भरा हुआ है, तो क्या हुआ, एक आपका 14 हुआ, दूसरा कितना हुआ 7 हुआ, तो 2 आपको यहां पे मिल रहा है, यानी इसका वॉल्यूम आपका कितना होगा पाई आर स्क्वायर, मींस एक बड़ा आर स्क्वायर, देन आपका ये छोटा आर स्क्वायर एंड देन एच मीटर क्यूब। बड़ा मतलब यहां से यहां 14 जो हमने इसको निकाला, और एक यहां से यहां जो पहले था वो 7 होगा, दैट इज ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये आपका 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर एंड एच आपको नहीं मालूम है, दैट इज, और इसको यदि आप करेंगे तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 14 प्लस 7 14 माइनस 7, या फिर वैल्यू निकाल के भी माइनस करेंगे तो आपको कितना होगा, ये आपका हो गया पाई, ये 14 प्लस 7 डेट इज आपका आएगा 21 और एक आएगा 7 इंटू एच मीटर क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, चूंकि इसी मिट्टी को आपने निकाला
और उसी मिट्टी को आपने फैलाया, तो टोटल वॉल्यूम दोनों का क्या होगा आपका, इक्वल होना चाहिए। या हमने ये इक्वल टू ये, दैट मीन्स आपको हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई, ये देन 21, दैट इज ये 7 इन एच, ये वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 12, ये दोनों आपका इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे ये जो h है इसको रखेंगे तो ये हो गया पाई, ये 7 स्क्वायर देन ये 12 डिवाइडेड बाई, ये कितना है आपका, एक आ गया पाई, दूसरा आ गया 21, थर्ड आ गया आपका 7, ये मीटर क्यूब नहीं होगा ये मीटर होगा क्योंकि हाइट की बात कर रहा है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 स्क्वायर है, या आप इसको यदि छोटा करेंगे तो ये आपका हो गया 7 इंटू 7 इंटू 12 डिवाइडेड भी आपका 21 इंटू 7, ये 7 ये 7, 7 3 आर 21, 3 4 आर 12, दैट इज ये इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर आंसर। तो आप यदि इसको बनाएंगे तो इस तरह से आपको इसको समझना होगा, मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए हैं, और यदि समझ गए हैं तो काइंडली आप जरूर कमेंट करें और क्वेश्चन जरूर आप पूछें। थैंक यू सो मच।